संस्कार धानी बस्ती ग्राम पटेवा की पावन भैया रात्रि काली बेला में राम कथा सुनिया जम्मो भाई बहनी मल्ला हमर सत्यम शिवम सुंदर मानस परिवार वरदा कला की ओर ले सत 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 नमन आओ भैया अपन कार्यक्रम के शुभारंभ कर अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय पुजपाद गोस्वामी जी महाराज के चरण कमल मनावा अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता जगदाधार परात्पर ब्रह्म साकेत रसिक सरकार सियाराम जुले हृदय में स्मरण करके बेकने विनाश गजानंद जी महाराज ने सादर नमन कर छत्तीसगढ़ महतारी के पावन वंदना जिनला राज गीत के घोषणा करे गए हैं आज वही भाव लेकर के आप सब के चरण में नमन करत छत्तीसगढ़ महतारी के पावन वंदना ले श्रीमद रामचरितमानस के द्वितीय सुपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 171 सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियां जेला गुरु गीता के नाम से जाने जाते हैं वो पावन प्रसंग में अवगाहन करण एकर पहले आवा मां छत्तीसगढ़ महतारी के पावन वंदन
खण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि भरनो रघुवर विमल जसु सुदायक फल चारि बंदौ राम लखन वैदेहि जो तुलसी के परम स्नेहि सीताराम चरित अति पावन सरस मधुर अरुवति मनमावन। बंदौ प्रथम भरत जी के चरणा जा सुने मव्रत जाई न सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहउ मुनिनाथ आनिलाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहा श्यावर राम चंद्र की उमापति महादेव की गौरी शुद्ध गजानंद की ग्राम की समस्त देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की सत्य सनातन धर्म की परम आदरणीय परम श्रद्धे मानस रूपी मानस सरोवर में विहार करिया नीरचिर विवेकी विद्वज्जन साक्षात भागीरथी स्वरूपी मानस मंदाकिनी के धारा प्रवाहित करिया आयोजक गण मानस मंदाकिनी के तट में किलोल करिया मधुरवाणी के धनी मानस मणि आदरणीय भाई उद्घोषक जी मानस मंदाकिनी के तट में विराजमान विद्वान संत महापुरुष साक्षात भक्ति के स्वरूप वात्सल्यमयी ममतामयी माता बहन और भैया ये भारत वसुंधरा की गोदी में खिलैया सुंदर सुंदर फूल शरीर नानान बाल गोपाल आओ ये शोरगुल समाप्त करके बिल्कुल मल एकांत करके ये मल ले चलन भगवान के पति पावनी कथा श्रीमद रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड मैं निवेदन करना चाहूं। अयोध्या कांड माने आप सब लोग विदित है लेकिन अयोध्या है का चीज अयोध्या अर्थात जीव के जीवन में आराधना योग के मतलब होते हैं जीव के जीवन में योग गीता में भी भगवान कृष्ण कहिन योगा कर्मसु कौशलम योग के द्वारा ही जीव के कुशलता संभव है और ध्यान के मतलब है जीव के जीवन में सतत परमात्मा के ध्यान होना जैन जीव के जीवन में परमात्मा के आराधना योग और सतत परमात्मा के ध्यान मना रहे हैं निसंदेह वो अयोध्या अर्थात जीवन में सकारात्मक भाव जब आ जाए एक राममय जीवन आ जाए तो जहां राम तहां अवध निवास वो अयोध्या और जैन पावन प्रसंग में हम आप सब चर्चा करें प्रजातन मैं निवेदन करना चाहूं वो अखिल ब्रह्मांड के नायक जयकर महिमा वेद और पुराण बखान करते हैं जिहि गा वही वेद बुद्ध जाहि धरहि मनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान जैन परमात्मा जर्रे जर्रे में निवास करते हैं सारे चराचर में जेकर व्यापकता है व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद वही परमात्मा पिताजी के मुख आदेश और माँ कैकेयी के वरदान के अनुरूप तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी 14 वर्ष के वनवास काल में जब निकल जाते हैं यूं कहा जाए जीव के जीवन से जब ज्ञान भक्ति और वैराग्य निकल जाए तो ये देह निरर्थक साबित होए बर लगते हैं मानो अयोध्या रूपी शरीर से ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये प्राण के समान जैन राम लक्ष्मण और सीता रहे वो निकल पड़े मानो आज अयोध्या तो निष्प्राण हो चुके हैं और यूं कहा जाए महाराज चक्र
चौथी सम्राट दशरथ जी जे तो आज राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन पर हरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। जब महाधीरा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी सुरधाम चले गए तो भरत जी महाराज ननिहाल से बुलाएगी और जैसे ही भरत जी महाराज अयोध्या में आईन पिताजी के मरणासन्न देखिन पूछिन भैया राम कहाँ हैं। पता चली राम 14 वर्ष के वनवास चले गए तो भरत जी के जीवन में एक बड़े परिवर्तन आते हैं। भरत ही बिसरे पितु मरण सुनत राम बन गौन। भरत जी महाराज सुनिन कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास चले गए हैं तो राम के भरत जी के जीवन में पिता के मरण भी भूल गए राम के वनवास न सुन के। वशिष्ठ जी महाराज भरत जी ला समझाई इस दिन भरत जी महाराज तो बहुत आक्रोशित होगी और ये अपन आप ला कि मोर जन्म सब अनर्थ हेतु। अरे मोर जन्म ले के कारण ही सब ये अनर्थ होते। मैं अगर जन्म ले रहे थे शायद ये अनर्थ कोई काम नहीं हो पाती। भरत जी अपन आप ला कोसना शुरू करें माता श्री कैकेयी अम्बा ला कोसना शुरू करें हंस वंश दशरथ जनक जनक राम लखन से भाई जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई कहे माँ तय माँ कहे के काबिल नहीं है। भरत जी महाराज बहुत व्याकुल होगिन एन किन प्रकार पिताजी के पार्थिव शरीर ला जब पंच भौतिक भाव में लगाएगी यानी दाह संस्कार करेगी सारे दशगात के काम करेगी और तब एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में आयोजित एक गुरुदेव के जैन गुरु गीता के रूप में श्रीमद् रामचरितमानस में उल्लेखित है वो भाव आप सबके बीच है कि सुनो भरत भावी प्रबल। भरत जी महाराज तो टूट चुके रहे। अरे मैं निवेदन करना चाहूं जेकर जीवन से ज्ञान निकल जाए याने राम है कौन बोले ज्ञान अखंड एक सीतावर राम तो साक्षात ज्ञान है भक्ति माँ सीता है और वैराग्य प्रबल लक्ष्मण जेकर जीवन से निकल जाए ओला तो टूटना ही टूटना है। भरत जी महाराज टूट चुके हैं आखिर कुछ करने पावत हैं और तब गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज इन सुनो भरत कहे बेटा भरत सुन ये भावी जो है प्रबल है। मैं निवेदन करना चाहूं भावी बहुत ही प्रबल ये भावी है का चीज हमारे आप सबके जीवन में प्रारब्ध संचित क्रियामान ये कर्म के भोग सब ला भोगना ही पड़ते हैं लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस में एक बात आओ इन देवर्षि नारद जी महाराज जब पार्वती अम्बा के नामकरण करीन तो एक बात कहरीन भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। दुनिया में अगर भावी ला समाप्त करे जा सकते मेट सकते तो कोई है तो बोले वो कौन वो त्रिपुरारी है भगवान शिव जी है और शिव जी कौन है तुम त्रि भुवन गुरु वेद बखाना वो कौन वही तो गुरु हैं और आज गुरु ये भावी के बारे में बखान करते हैं। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनि नाथ आज व्याकुल हो चुके हैं। वशिष्ठ जी महाराज भी बड़े टूट चुके हैं लेकिन फिर भी भरत जी महाराज ने कहे बेटा हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ जीव के जीवन में जो हानि भी हो लाभ भी हो जीवन भी हो मरण भी हो जस हो अपजस हो ये छह चीज जो है हानि लाभ जीवन मरण चार जस और अपजस ये छह जो है ये स्वयं के हाथ में नहीं बोले कहां विधाता के हाथ में है जो विधाता ने लिख दिया छठी रात के अंत राई बढ़े न तिल घटे रहो रे जीवनी छठी रात के अंग चार दिन पांच दिन तक छठी नहीं होए ना तब तक आदमी सुधार करना है तो कर ले एकाध अंक कुछ गलत है ना सफेदा लगाए के एक दिन रथे बाकी दिन सफेदा नहीं लगी वो कौन दिन हरे बोले छठी के दिन छठी के दिन अच्छा काम करना चाहिए लेकिन मैं निवेदन करूं आजकल भट्टी भी ना छठी नहीं उठे
औ बिगाड़ डाटे सफेदा लगाए रही तेल फोट पोदा डाटे लिखी ते उपके नहीं। मैं निवेदन करना चाहूं आज भरत जी महाराज के सामने सारे सभासद ला गुरु वशिष्ठ जी महाराज एक कहिन कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये छह जो है वो विधाता के हाथ में है। अब देखन श्रीमद रामचरितमानस में हानि कौन ला होई लाभ कौन ला होई जीवन कौन ला मिली मरण का कर होई जस कौन ला मिली और अपजस कौन ला मिली ये छयो की चर्चा हम करेंगे। एकर पहली में यही कहूं कि आज तो भरत जी महाराज अतेक टूटे हैं कि केवल और केवल अपन आप के कर्मला दोष देवत हैं कि टूटा कर्म के फूटा धोना पसिया गवा के चारों बोलिए श्यावर राम चंद्र की सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख्य कहूं मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहा। वशिष्ठ जी महाराज भरत जी ला समझाते बेटा ये हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये विधाता के हाथ में है। विधि सन कछु न किन्न बसाई यानी विधाता के सामने का करो बस चलने वाला नहीं है। अब देखन श्रीमद रामचरितमानस में जेनवात वशिष्ठ जी महाराज किहिन हानि राम के वनगमन के बाद हानि कौन ला हुई। मैं निवेदन करो सबले पहलू तो ये कहन कि राम है कौन। तो राम ज्ञान आए राम वो धन आए मीरा के शब्द में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो गुप्त अमोलक दिन मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो राम वो रतन आए वो धन आए जैन धन पाए खोजत कल्पो गया कबीर जी की जही खोजत कल्पो गया सो घट माही मूर वो कहीं बाहर नहीं वो घट भीतर बसे हुए हैं। लेकिन आज वो मूर वो धन वो रत्न कहीं बाहर चले जाए काकरो धन गंवा जाए तो हानि हो इसके नहीं हुई हानि। आजकल वही धन के कारण तो दुनिया भर आदमी फेरा मारा था। एक जन आदमी की इस मोला अतेक धन दे मालिक अतेक दिन भगवान की इस ले बेटा चल यहाँ से वहां तक जतेक ते दौड़ सकत दौड़ तो और जतका ते दौड़ जबे ना ओतका धुरिया तोर की एक पल्ला लगे एक किलोमीटर तक चल दी
लहूट के चिल्ला के अक्का मोर कहते हाओ तोर वो तोर होते एक जमीन हां तोर फिर दौड़ लगे स्थावर होगी जते एक दौड़ जा जक्का दौड़ बे होता तोर दौड़ा दौड़ा कहते एक दौड़ी सते एक दौड़ी आखरी में सांझ किन निधन हो गए धम 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 जिंदगी भर आदमी धन धन रखे आखिरी में निधन हो जाते बोले श्यावर रामचंद्र की तब तो शोक पत्रम लिख रहे थे ना अमुक तारीख के अमुक का निधन हो गया ओकर धन गवा और जेकर धन गवा जाए ओकर नुकसान आए ओकर हानि आए तो काकर धन गवाई बोले सारे अवधवासी के जीवन से राम निकल गए तो हानि अवधवासी मल्ला हुई लेकिन लाभ कौन ला हुई लाभ लाभ वनवासी मल्ला हुई भगवान राम तो पहली कहरी ना मुनिगन मिलन विशेष मन सबई भांति हित मोरी तीन मह पितु आयस बहुरी सम्मत जननी तोरी याने मुनिगन मिलन याने सत्संग जब होते हैं और सत्संग में सबले बड़े लाभ हैं एकर से सत्संग से बढ़ के लाभ दुनिया में कहीं नहीं है तब तो देवाधिदेव उद्भावन भोलेनाथ स्पष्ट रूप से श्रीमद् रामचरितमानस में कहिन गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन दुनिया में संत समागम से बढ़ के लाभ कोई है नहीं आदमी लाभ चाहते हैं लेकिन लाभ है कहाँ ओके जगन समझना चाहिए लाभ मिलिस कौन ला बोले बनवासी मल्ला लाभ मिलिस भगवान के दर्शन करे के लाभ मिलिस और जीवन कौन ला मिलिस जीवन जीवन तो सुग्रीव जी ला मिलिस कर्म रूपी बाली के डर से जीव आत्मा सुग्रीव जो है जब भगे फिरे जाते रही यानी ओकर मरण संभव रही से लेकिन जेम दिन संत के सानिध्य पागे संत कौन बोले आंजनेय नंदन हनुमंत लाल जी महाराज संत आए और ऐसा संत के जब संबल मिली तो जीवात्मा सुग्रीव ला परमात्मा से मिले के एक सूत्र मिले पावक साठी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई संत अगर बीच में आ जाए तो जीवात्मा ला परमात्मा मिले में देरी बिल्कुल नहीं है जे श्रद्धा संबल रही नहीं संत बन कर साथ तिनको मानस अगम अति जिनै न प्रिय रघुनाथ अरे ओला ओ राम के दर्शन मिलना दुर्लभ है जिन संत के सानिध्य में नहीं है लेकिन जिन संत के सानिध्य में है निश्चित ही वो भले ही कहीं भगे और जीव के एक सहज प्रवृत्ति होते हैं जिन भागे जाते हैं भागे जाते हैं भागे जाते हैं आज उस जीवात्मा सुग्रीवला जीवन मिली विभीषण जीला जीवन मिली विभीषण जीला जीवन मिली और ये जीवन देने वाला ये भी हनुमान जी के सानिध्य में अर्धरात्रि विभीषण जागा ये विभीषण कौन है बोले जीव भवरंद्र विभीषण भवरंद्र से जागे हुए जीवात्मा विभीषण ला जब हनुमान जी महाराज मिली ये संत हनुमंत मिली तो श्रवण सुज सुनी आयो प्रभु भव भंजन वीर त्राहि त्राहि आर तरण शरण सुखद रघुवीर ये जंगल में अगर कोई जीवन पाए तो बोले सुग्रीव ला जीवन मिली विभीषण जी ला जीवन मिली और अनेकानेक भक्त मल्ला जीवन मिली लेकिन मरण के जब बात आते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूं मरण तो एक शहादत जटायु ला मिली जटायु जी महाराज ला मरण के चर्चा तो करबे करबो लेकिन जीवन के भाव हम समझन जीवन काकर सफल है अरे दुनिया में तो जीवन सबला मिले है लेकिन का हम जिया थन जीवन जीना और जिंदगी ला काटना बड़ा अंतर है मां प्यारे हम सब जीवन जियत नहीं है जिंदगी काटा था कैसे कहा बने बने जिया था भैया जिंदगी कटा था जिंदगी काटा था जियत नहीं है जिंदगी जीना है प्यारे तो जिंदगी तो केवल दो दिन के जिंदगी है दो दिन का जिंदगी है चलना समल संभल के अंजलि का जो पानी जाए निकल निकल के अरे अंजलि में जिन पानी है
एक एक बूंद करके पूरा समाप्त हो जाते हैं। ठीक वैसे ही ये जिंदगी जो है एक एक दिन एक एक घड़ी एक एक पल एक एक क्षण हो करके ये निकल जाते हैं। हमारे प्यारी बिटिया मन चर्चा करत रही गाड़ी में, हाँ कहत रही कि हमन बाढ़त नहीं है बल्कि छोटे हो जाते हैं। हाँ दिनों दिन छोटे हो जाते हैं। सही बात है, जिन दिन जन्म धरी ते दिन जते उम्र भर रही से, लेकिन एक एक दिन एक एक दिन एक एक दिन छोटे हो जाते हैं। ये काय जिंदगी अगर जीना है प्यारे तो केवल दो दिन के जिंदगी सही है। कबीर जी की जीवन यौवन राजमत अभी चल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में तो जीवन का फल सत्संग में गुजरना चाहिए। ये सत्संग में भजन कीर्तन होना चाहिए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूं आज कोई भजन कर ही कोई टाइम नहीं है। सब सब कुछ है आदमी करा, पैसा कमी है का करो करा, पैसा कमी नहीं है अते पैसा ये फराक मशीन गिन नहीं सके गर्म हो जाते। बोले श्यावर रामचंद्र की अते पैसा है दुनिया में लेकिन नहीं है तो केवल टाइम नहीं है। का करो करा टाइम नहीं है। अब मैं कहता हूं आप मन आ हो तो आप मन का टाइम है नहीं, टाइम है लेकिन सुकून नहीं है। टाइम है पर सुकून नहीं है। ये सुकून की कमी अगर दूर करना है तो जीवन के सार्थकता समझ जान हानि लाभ जीवन ये जीवन है का मैं निवेदन करूं ये जीवन मिलेगा बरह देह धरे कर या परवाई भजई राम सप्ताम बिहाई। ये जीवन केवल और केवल राम भजे बर मिले हैं। लेकिन आज हम अपन आपसे पूछन अपन अपन छाती में हाथ मड़ा पूछो अपन आपसे ये जीवन में काबू तक करथन भीतरी लवाज निकलते जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से। मैं निवेदन करना चाहो पुत्र के परिवार के घर के द्वार के खेती के बाड़ी के नौकरी के व्यापार के सबके याद है लेकिन याद नहीं है जीवन में तो केवल और केवल भगवान के भजन की याद नहीं। अब दुनिया काले ले मर में घड़ी देखते ना माहौल सासू माँ की याद आता अचरा धरौनी देह बिचारी किसी याद नहीं है। एक जन नोनी ला नथली मिले रहा है ओकर सहेली मन पूछिन कसिया ते फुल्ली पहने रहे कब ले नथली पहन रहेगी। अपन सहेली मन ला बताए हाँ हमार फ्रेंड है दे है फ्रेंड ओकर बर्थडे के गिफ्ट में ओकर फ्रेंड नथली दे रहा है जेन सहेली पूछे तेल बताए हमारे फ्रेंड दे है के विचार करके देखो एक छोटे से नथली देने वाला फ्रेंड एक छोटे से नथली देने वाला यार एक छोटे से नथली देने वाला दोस्त के घेरी बेरी याद है लेकिन कभी ये बात के चिंतन नहीं करें कि जे नथली जे नाक में पहने हैं वो नाक देने वाला करतार के एक बार भी याद नहीं है। बजा थोत बने बजाओ ना कापुटूर पटर कर बोली श्यावर रामचंद्र की। और तब तो कबीर जी की अंडा था तब बोलता अंडा था तब बोलता बच्चा बोलत नहीं अंडा देखे दाई देखे अंडा जमाओ नहीं ना देखे हो ना कई जन मन सफेद आलू कहते हैं बेईमान मन लग हिल नहीं आए देखे हो ना अंडा कबू बोलते हैं बोला सुने हो ऐसे कान में टका सुनना। कबीर जी के अटपट बानी झटपट लखे न कोई जो कोई झटपट लगे चटपट मुक्ति होए। कबीर जी की अंडा था तब बोलता अंडा बोलत देखे हो सुने हो बच्चा बोलत नहीं और बच्चा आगे था बोल चुप रहा कब इतनी रहा चीव 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 कर कथे की नहीं कहे लेकिन कबीर जी ओ कर बात नहीं वो मुर्गी के अंडा और मुर्गी के बच्चा के बात नहीं हमारे आप सबके जीवन के बात करें। ये जीवन में हम सब लग करना का है हम करें का अरे माँ के गर्भ में जब अंडा आकार में मांस के लोथड़ा के रूप में जब रहे तो भगवान से बोलत रहे अंडा था तब बोलता तब बोलत रहे कि भगवान ये माँ के गर्भ से बाहर निकाल तोर भजन करबो। और जैसे ही भगवान का मुंह की करी करो ना नर दे ही दे दे इस बिनु हे सनी भगवान कृपा करके जब बाहर निकाल दिस गर्भ से तहन केहे केहे भगवान कथे केहे शुरू कर
तहन का के हैं कथे सुरत भूल हो जते भगवान कथे भजन करहु के है तहन सुखल अवारी मारते कहां के हैं कहां के हैं कहां के हैं हतरे लबरा है भगवान से लवारी भगवान से झूठ भगवान से छल अरे जिंदगी में ये जीवन के लाभ तो तब है जब कोई जीव भजन में लग जाए आओ हम सब मिलकर के भजन के आनंद लेवन फिर अगला पंक्ति आप सबके बीच सादर प्रस्तुत बोली श्यावर रामचंद्र श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ भजन कर लेना ये गंगा माँ के कहाँ ते बुलाए मानुष तनला पाके भैया
मिले नहीं जिंदगी उधारी। रामचंद्र के हानि लाभ जीवन मरण जस यप जस विधिहा। मरण के जहां तक बात है, श्रीमद् रामचरितमानस में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी तो एक भुजा उठा करके ही प्रण कर दे रहे हैं कि निशिचर हीन करो मही भुज उठाई प्रण किन सकल मुनिन के आश्रम नी जाई जाई सुख दिन। सारा निशाचर मन के मरण करे, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूं श्रीमद् रामचरितमानस में दो मरण ऐसे हैं जिनला भगवान भी नहीं चाहते। एक तो वो जिन शहादत जटायु जी महाराज जेकर दोनों पंख रावण के द्वारा काटे गए रही। कब कब जब माँ भगवती सीता मैया के अपहरण हुई तो बड़े बड़े नेता मन विचार करत रही, बड़े बड़े नेता मन विचार करत रही ये बात स्वीकार करें कौन राजा सुग्रीव मंत्री सही नहीं आए दोबारा बैठ रहा हम करत विचारा गगन पंत देखी हम जाता बस आपकी विचार भर करे के कि कुछ काम करे के। अरे बड़े बड़े जेमा जामवंत जैसे योद्धा जेमे अतुलित बल धामम आंजने नंदन हनुमंत लाल जी महाराज कोई छोटे मोटे बलवान सब हमें वो सभा में, लेकिन कोई क्रियान्वयन नहीं करें और भारत के अस्मिता ला हरण करे जाते रहे। लेकिन एक बूढ़ा जटायु जो है अपन आपला रावण के सामने जेन रावण के सामने देवता मन घलो गिर और कंदर लग खोजे कि कते कर लुकान रे रावण आवत है लेकिन जटायु ललकार दिस रे रे दुष्ट ठाड किन होई। और अपन जब तक पुरुषार्थ रही जटायु रावण से लड़ी अंत तो गत्वा रावण के चंद्रहास तलवार से जटायु के दोनों पंख काटेगी। और वो जटायु जी महाराज जब भगवान के प्रतीक्षा करत राम राम रटत और सीता जी के अनुसंधान में जब राम और लक्ष्मण आगे बढ़ी तो गीधराज से भेंट हुई। वो गीधराज जटायु जी से जब भेंट हुई ना तो कर हालात ला देख के भगवान राम पुनः पंख जगा के ओला जीवन दान देना चाहते थे, लेकिन जटायु जी महाराज के नहीं प्रभु मूल मरण अच्छा है। एक दूसरा बाली बाली जब अपन आप में सरेंडर करें कि सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी अज हूं मैं प्रभु पात की अंतकाल गति तोरी। तब भगवान कथे अचल करो तन राखो प्राण कहे बाली तोर प्राण ल रख दो तनला अचल कर दो। और तब बाली की ही कहे प्रभु कोटि जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुख आवत नाही सो प्रभु को मम आगे यानी वो परमात्मा मोर आगे में हावो और मैं अपन मरण नहीं संवार हूं अच्छा बात नहीं है। राम चरण दृढ़ प्रीत करी बाली किन्न तन त्याग सुमन माल जिनी कंठ दे गिरत न जाने नाग। बाली अपन मरण ल संवार ली। ये दो बात ऐसे हैं बाली और जटायु जिनला भगवान जीवन दान देना चाहते रहे लेकिन ये दोनों मरण स्वीकार करें काबर एकर स्थिति के भगवान सामने खड़े हैं। मैं निवेदन करना चाहूं मरे में बड़ फायदा मरे में बड़ फायदा। कबीर जी भी कहिन जा मरना से जग डरे जा मरना से जग डरे मोरे मन आनंद कब मरी हाँ कब पाई हाँ पूरन परमानंद। कबीर जी की भाषा मरे बड़ फायदा जानना चाहो का फायदा है। जय भोलेनाथ।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आज बाली समझीस अपन मरण ल संवार लीस, जटायु समझीस मरण ल संवार लीस। मैं निवेदन करना चाहूं हमर आप सबके जीवन में मरे जो फायदा है आते फायदा है। सरकार ना देखो ना आवाज ब 1.5 लाख और मर घटी 10 लाख फायदा का है। फायदा सुनबे ना कबू कबू मरे 1 लाख। मैंने कहूं कबीर जी की जा मरना से जग डरे मोरे मन आनंद कब मरिया कब पाई हो पूरन परमानंद। आप मन देखो आदमी जिंदगी भर कोई कदर नहीं है भैया कोई मान सम्मान नहीं लेकिन मरे के बाद अतेक मान सम्मान अतेक मान सम्मान अतेक मान सम्मान। जिंदगी भर आदमी एक एक चंद्रा पर तरसते मरे के बाद अतेक ऊंचक लद गाय फूल माला चढ़ाती मोर ऊपर कई सोचते मरे के बाद अतेक फूल माला चढ़ते का पूछना है। आप माला सब ला पता हुई आदमी जब मर जही तो करे तो हासत वाले फोटो लाही घर के मेन दीवाल में लगाही प्लास्टिक के सही लेकिन हार ला चढ़ाई ऊपर ले अगरबत्ती जलाई कब जब मनखे मर जाई तब। जिंदगी भर कोई मान सम्मान नहीं कोई कदर नहीं अतेक मान सम्मान ला देखबे सचमुच में कैसे मरे मन है मरे बड़ फायदा तो मन जान फायदा जान लो पर ठन ठन ले रहो जल्दी उदी मत करना। हां और अगर ज्यादा डिटेल में जानना है ना ज्यादा डिटेल में जानना है तुम्हें एक एड्रेस दे देता हूं पूछ लेना। पूछो कौन एकदम सीक्रेट बात है ना कोई एकदम कोनो कर बताए क्यों है जानना है मरे फायदा जानना है का करू जान लेकिन जान लो मैं एड्रेस दे देता हूं पूछो कौन जानना। हां नोट करो एलआईसी के एजेंट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एक शायर तो बहुत सुंदर कही सो कर एलआईसी वाले मन में अगर कोई हो ही ना तो मैं क्षमा नहीं मांगा तो कमीशन शेयर कर देना आपके प्रचार प्रसार होते हैं। ए एलआईसी वाले भी क्या जबरदस्त कहर ढाते हैं एलआईसी वाले मन में। ए एलआईसी वाले क्या जबरदस्त कहर ढाते हैं पत्नी के सामने बैठकर पति के मरने के फायदे बताते हैं। एक जगह स्विमिंग पूल रखी स्विमिंग पूल प्रतियोगिता रख दी का के बोले तैराकी प्रतियोगिता तैराकी स्विमिंग पूल बना दी स्विमिंग पूल समझतो ना। आजकल टीवी जमाना है और श्याम भाई मन जैसे नहीं समझा तो इतनी करबे एकदम शॉर्टकट में मैं बता देता हूं कि बड़े बड़े आदमी मन तरिया नदियम जाके डूब के मर झिन जाए ऐसे कई कई घरे में सीमेंटेड डबरी बना देते ओ लगते स्विमिंग पूल। हां तो वो स्विमिंग पूल में पानी भर दी एक पार ले वो पार तैर के निकलना है 5 लाख इनाम 5 लाख इनाम काम का है बोले एक पार ले वो पार नहाना है स्विमिंग पूल में। ओ सईमो 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 करत रहे हम नहाबो हम नहाबो। आयोजक समिति मन चाट तो मंगर ल ढील दी चारों कोना में एक तरफ मंगर ल देखें एक तरफ नहाके पर सोचें। आयोजक समिति से पूछिस भैया मान ले जे नहा के त 5 लाख जीत के और कोनो बीच में मंगर निपटा दिसता बोले चिंता मत करो डोंट वेरी सुरक्षा निधि परिवार वाले पर 10 लाख एक जन आदमी 19 न 19 वो छप 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 एक पार ले वो पार नहा दी सब मन खूब ताली बजे बधाई हो भैया बधाई हो 5 लाख जीत गए बधाई हो 5 लाख जीत गए। खबर ल सुनी ते मीडिया वाले पहुंच गए कि आपके टूथ पेस्ट में नमक है 5 लाख जीते त तोल कैसे लागी से पूछिस वो कत हफरत रहा बेचारा हफरत हफरत किस 5 लाख ला क्वांटम डार पहली ये बता मोल ढकेलीस कौन पहली ये बता मोल ढकेली इसको बाद में पता लगी सोकरे घर वाली ढकेल दे रहे जीत गए था 5 लाख और निपट गए था 10 लाख मरे बड़ फायदा। श्रीमद् रामचरितमानस में भी फायदा कौन उठाए हैं तो बोले कौन जटायु जी महाराज और बोले बाली और कौन बोले रावण। स्पष्ट रूप से रावण के शब्द हैं
भगवान अगर जन्म ले चुके हैं तो तामस देह भजन नहीं होई, ये तामसी देह में भजन पूजन नहीं होए, तब का करो कहीं सन जाई बैर हटी करी हो, प्रभु सर मर भव सागर तरी हो। ये मरे के फायदा आज रावण भी जानी, यानी मरण। और फिर अगला पंक्ति है, जस जस कोनो मिली तो बोले भगवान राम के चलते महाधीरा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी लस मिली कीर्ति मिली, भले ही वो मरण यानी स्वर्ग सिधार गिन, लेकिन वो परंपरा ला यश मिली रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये यश महाराज दशरथ जी और अपयस बोले अंबा कैकेयीला भूत बिना पड़ी अंबा कैकेयीला। भगवान राम तो पहली से वरदान में मांग चुके रहे ना, मैं कहूं समय अगर हो तो हम भजन के आनंद लेवन तब कहीं चर्चा कर या चर्चा समाप्त कर दिया जाए, भजन के बाद फिर चर्चा। हाँ फिर भजन समय एक मंच तुम्हें ये कहो अप्यास के घूट माँ अम्बा के कई एकर से तिपिन कि भगवान राघव गेंद खेलत खेलत बचपना में माँ के कई अम्बा के तरफ फेंक दिन काम बनाना रही सब और गेंद लाए के बहाना जब अम्बा के कई के सामने गेंद तो आंख बंद कर लीन और आंख बंद कर दीन के कई में के आंख लाए इसने अपन हाथ से पकड़ के बंद कर दी अम्बा के कई पूछ स्पर्श जैसे राम के हाथ ला करी समझ के बेटा राम आंख दुखा थे बेटा छोड़। और तब भगवान राम कहीं माँ एक बात दे ये ममता के मूर्ति माँ कौशल्या जिन काम नहीं कर सके वो काम तोला करना है। कई कई बोले बेटा बोल क्या करना है, अरे तोर कारण तुम्हें प्राण भी दे सकता हूँ पता क्या करना है। भगवान राम बोली माँ ते अपियस के घूंट पी सकता, बोले बेटा हाँ पी सकता हूँ बोल करना क्या है। और तब भगवान राम कहीं भरत गादी दीजियो मोह तपोवन राज, कहे माँ ते भरत जिला गादी दे देना और मोला जंगल के राज दे देना, बस यही काम भले अपयस के घूंट पीना पड़े कोई बात नहीं। माँ कही कही राम मैं तोर अतेक प्रेम करतो बेटा भरत से कही ज्यादा तोला प्रेम करतो और तोर कारण भले ही मोला अपयस के घूंट पिए के नौबत आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ते जिन चाहता ओल पूरा करके रहूं। वो अम्बा कैकेयी मैं निवेदन चलते चलते एक बात कही दूं, अगर कैकेयी के मन में लोभ रही थी ना बहुत सारा चर्चा है मैं कहूं कि दो घंटा में घलो समाप्त नहीं हुई, लेकिन एक संकेतिक रूप से कहूं कैकेयी अम्बा के जीवन में कोई लोभ नहीं, बाहर से कठोर लेकिन अंदर से बड़ा नरम रहीन। और प्रमाण श्रीमद रामचरितमानस की चौपाई पहली वरदान लगो अधिकार पूर्ण मांगते देह एक बार भर कहीं टीका, लेकिन दूसरा वरदान मांगे के पहली कई कई अम्बा के हाथ जुड़ते हैं दूसर बर मांगम कर जोरे पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरे, पहली वो वचनबद्ध करवा लेते हैं कि नाथ मोर मनोरथ पूरा कर देना मोर राम के मनोरथ पूरा कर देना। बोले का तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, ये तमाम भाव लेकर के माँ अम्बा आज अपयस के घूट पी लेते हैं। और ये तमाम भाव आज वशिष्ठ जी महाराज के इन सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये विधि के हाथ में नहीं थे। अब हमर आप सबके जीवन में जब कुछ भी हो तो जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए इही भाव के साथ अपन वाणी का विराम देव। आओ भजन के आनंद लेवन बोलिए सियावर राम चंद्र की सियावर राम चंद्र की जनकपुर आगे नहीं आना।